का एक स्टेटमेंट आया था, तो जो स्टेटमेंट आया तो हमने वही पूछा कि हुआ क्या है, और जैसे ही जो देखा था हमने अधिकारियों को कह दिया कि इसको देख लीजिए, अगर मंत्री हैं और उसके आदमी दिमाग में ये सब बात हुई तो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अब जानना चाह रहे थे उसको बोलने के बजाय चल दिया, अब जानना चाह रहे थे उसको बोलने के बजाय चल दिया। बिहार सरकार के कृषि विभाग को चोर और खुद को चोरों का सरदार बताकर चर्चा में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भिड़ गए थे। आज खुद नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया कि कैबिनेट की बैठक में जब उन्होंने कृषि मंत्री से ये पूछा कि वे क्या बयान दे रहे हैं, तो वे बिना जवाब दिए बैठक से निकल गए। वैसे सुधाकर सिंह के मामले पर नीतीश कुमार की बेबसी का आलम ये है कि वे कह रहे हैं कि इस मामले को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देखेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि बिहार सरकार के कृषि विभाग में सारे चोर बैठे हैं। आज जब मीडिया ने नीतीश कुमार से सुधाकर सिंह को लेकर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने कहा कि उसका एक स्टेटमेंट आया था, उसका स्टेटमेंट देखकर मैंने अधिकारियों को कह दिया था कि देख लीजिए। कैबिनेट की बैठक में हम जानना चाह रहे थे कि वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, हम जानना चाह रहे थे, लेकिन वह बोलने के बजाय उठकर चल दिए। बहुत समझाया गया लेकिन वह नहीं रुके। आप खुद सुनिए कि क्या कुछ बता रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। नहीं, वो उसका एक स्टेटमेंट आया था, तो जो स्टेटमेंट आया तो हमने वही पूछा कि हुआ क्या है, और जैसे ही जो देखा था हमने अधिकारियों को कह दिया कि इसको देख लीजिए, अगर मंत्री हैं और उसके आदमी दिमाग में ये सब बात हुई तो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अब जानना चाह रहे थे उसको बोलने के बजाय चल दिया। बहुत समझाया गया सारे लोग, आप पूछ लीजिए इनसे, डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, सारी बात आपको बता। कल हमने बात किया उनसे तो वो अड़े हुए हैं कि अभी भी कि सारे अधिकारी चोर हैं, चोरों के सरदार हैं, अपने बयान पर कायम हुए हैं, 17 साल से भ्रष्ट सरकार है। देख लीजिए कि अगर कोई ये बात बोल रहा है, आप डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो मौका दिए कि भाई क्या कोई मामला है तो बताइए, अब कोई बाहर कुछ बोल रहा है तो वही लोग देख करके बता देंगे। ठीक, पूछ कर आपको, हमने तो पूछा ही, जरा बताइए क्या भ्रष्ट सरकार सही में है। क्या बात करते हैं आप, एग्रीकल्चर का आप ही लोग जांच कर न लीजिए, जो उसका सेक्रेटरी है इससे बढ़िया कोई आदमी है? कितना बढ़िया आदमी है, और किस तरह से हमने जो भी कृषि रोड मैप जो बनाया है और उसको काम करने के लिए लगा रहता है, और हम तो हमेशा एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं, और ऐसे हम लोगों ने अच्छा अभी भी जो देखिए दो बार हम एरियली जो पूरा का पूरा इलाकों का जहां पर वर्षा कम हुआ है और प्रभावित है, सब चीज़ का वो खेती उतना नहीं हुआ, तो एक एक एरिया को हम तो पहले ही देखना चाह रहे थे। जानते थे उस समय पैसा हो जा रहा था कि गया में लैंड कर गया, फिर नहीं हुआ तो फिर एक बार बाय रोड जा करके कुछ जगह पर देखे, लेकिन हमने कहा कि भाई अब हो गया, अब तो कोई अब लगा नहीं सकता है, तो इसके लिए पूरे तौर पर जा करके और अन्य फसलों के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि जो नहीं लगा पाए आप, धान की नहीं कर रहे हैं तो अब इसको करने के लिए, तो सब कुछ जो किया गया है तो उसी के लिए हमने कहा। तो हम दो दिन मैंने पूरा इलाका हम देख लिए, तो उसमें कौन था मेरे साथ बोलिए, आपदा प्रबंधन और उसके अलावे ये वाले थे कृषि वाले, एक एक चीज को देख करके चारों तरफ हर चीज का लोगों ने एक एक चीज का जायजा लिया है किस एरिया में, पूरा हम लोग घूमे, मतलब समझ लीजिए कि दो दिन हम लोग 4 घंटा जैसे कम नहीं एक राउंड चक्कर लगाए, लैंड किया, फिर ये करके फिर हम लोग ऊपर गए, तो 17 से सब कुछ देखे हुए हैं। तो इसमें हम बहुत देखिए कौन सा, सब जानते हैं हमको सबको मदद करना है, जहाँ कहीं भी कुछ नहीं हुआ है बीजेपी तो उन सब लोगों को मदद करना है। इसके लिए तो हम ऑलरेडी बैठ करके चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद जब समूचा का असेसमेंट हो जाएगा, और इसके बाद जहाँ कहीं भी जो नहीं है, आप जानते हैं ना किसान में हम सिर्फ जिनको खेती है उन्हीं को नहीं मानते, उनको मानते हैं जिनके पास खेत है वो भी किसान है, जो खेती करते हैं वो भी किसान है, और जो दूसरे के लिए भी खेती करते हैं वो सब किसान है, इसलिए उनकी संख्या बहुत है ना, तो सब लोगों को तो मदद करवाते हैं हम लोग ना अलग अलग योजनाओं में, आप जानते ही हर बार, और किस तरह से हम आपदा के टाइम में कैसे कैसे काम करवाते हैं, कहते हैं कि आपदा पीड़ितों को पहला अधिकार है सरकार के खजाने पर, हम प्रारंभ से ही साथ से ही बोल रहे हैं,
इसलिए उसको ये पहुंचने के लिए कोई तरह का दिक्कत उनको नहीं हो। लेकिन अब थोड़ा ये एक तरह से जो देखते हैं, हम तो कल भी घूम रहे थे तो जगह जगह जो वर्षा हो रहा था तो हुआ कि चलिए कम से कम पानी पड़ रहा है तो जितना भी लगाया है अब वो सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात है कि पानी पड़ जाएगा तो नीचे से सबके घर में हम लोग जल पहुँचा रहे हैं तो अगर पानी पड़ रहा है तो थोड़ा सा नीचे वाला लेवल ठीक हो जाएगा। तो ये सब देख करके अच्छा लगा है कि थोड़ा बहुत अब तो कम से कम वर्षा हो रहा है। अब खेती के लिए कोई ये नहीं, हाँ, लेकिन इसके बाद वाला जो कुछ करेगा तो उसमें कर सकता है। तो ये सब सब चीज़ को हम देखें, एक एक चीज़ को देखें। लेकिन कौन क्या बोलता है आप पूछ लीजिए। सर, सर, हमने पूछा उनसे तो कि भाई आप बोल रहे हैं भ्रष्ट सरकार है लेकिन तेजस्वी यादव जी तो नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, उनके विजन चलने की बात कर रहे हैं, चलने लेकिन आप हैं कि बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है तो क्या एम्बैरेसमेंट नहीं हो रहा है? इस तरीके की बात आज तक नहीं हुई, पहली बार इस तरीके। हम इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या बोल रहे हैं हम तो कल जानना ही चाहते थे कि क्या हुआ है, तो बोला ही नहीं। और अब सबसे पूछ ना लीजिए, जो भी बेचारे मंत्री है, सारे मंत्री से आपको पता चल जाएगा। और आप पूछ लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।